अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कढ़ी पकौड़ा बनाने की। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने हाफ के जी दही ले लिया है और अब इसके अंदर मैं बेसन शामिल करूँगी। यहाँ पर बेसन मैंने लिया है एक छोटी प्याली, ये तकरीबन अगर आप स्पून में देखें तो 5 टेबल स्पून बेसन है, ठीक है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया था और ये तकरीबन 5 टेबल है, ये बीच में शामिल करती हूँ। और अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी और अब इसको बीटर की मदद से मैं अच्छी तरह से बीट कर लेती हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं है। कड़ी को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, कोई सीन स्किप मत कीजिएगा। तो चलें जी, ये मिक्स हो गया है, अब इसको पकाना शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है तकरीबन 1/2 कप और अब इसके अंदर प्याज शामिल कर देती हूँ। एक बड़े साइज का मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। प्याज को हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो रहा है और ज़्यादा इसको बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना। अब इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये शामिल करती हूँ। तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें ली थी, उसका मैंने इस तरह से पेस्ट तैयार कर लिया है, ये शामिल कर देती हूँ। और अब इसको भी अच्छी तरह से भून लूंगी। हरी मिर्चें डालने से कढ़ी का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, तो कोशिश किया करें कि कढ़ी के अंदर हरी मिर्चें ज़रूर डाला करें। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी लाल मिर्ची तकरीबन 1 टेबल स्पून, हल्दी शामिल कर रही हूँ इसके अंदर तकरीबन 1/2 टेबल स्पून, थोड़ा सा मैं इसके साथ पानी शामिल करूंगी ताकि जो हमारी मिर्ची है वो बिल्कुल भी जले ना। और इसके अंदर ज़्यादा मिर्च मसाले बिल्कुल भी शामिल नहीं करने, सिर्फ इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्ची ही शामिल होंगी। और नमक मैं भी शामिल नहीं कर रही, नमक मैं बाद में डालूंगी। और अब इसी के साथ में इसमें 1 अदद बड़े साइज का टमाटर लिया है मैंने, ये शामिल कर देती हूँ। और इस मसाले को बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो भी अच्छी तरह से मैश हो जाएं। इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर से कवर कर दूंगी ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। और अब क्या करेंगे,
दही और बेसन जो कि मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया था ये शामिल कर देती हूँ बीच में, और साथ ही इसके मैं पानी भी शामिल कर देती हूँ, और पानी इसके साथ शामिल कर देती हूँ। एक लीटर तकरीबन मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है, और अब इसको खूब अच्छी तरह से पकाना है हमने। जितना ज़्यादा कढ़ी को पकने देंगे हल्की आंच पर, उतनी ही ज़्यादा कढ़ी बनकर मज़े की तैयार होती है। और अब इसको ऊपर से मैं कवर कर दूंगी। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा तो फिर मैं इसके ऊपर से ढक्कन को उतार दूंगी, क्योंकि ये फ़ौरन से उबलना शुरू हो जाती है, इस चीज़ का आपने एहतियात करना है। तो जब तक हमारी ये कढ़ी तैयार हो रही है, हम अपने पकौड़ों का मसाला तैयार कर देते हैं। बिल्कुल लंबाई में हमने पकौड़ों के लिए प्याज कटिंग कर लेने। जितने ज़्यादा बारीक बनाएंगे आप, कटिंग करेंगे, उतने ही ज़्यादा पकौड़े क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे हमारे। तो सारे प्याज में इस तरह से स्लाइस में कटिंग कर लूंगी बिल्कुल बारीक। आलूओं को मैंने इस तरह से गोल गोल कटिंग किया है, और अब इसको लंबाई में मैं बारीक बारीक कटिंग करूंगी। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया ले लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसको भी काट लेते हैं बिल्कुल बारीक बारीक। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया ये भी बारीक बारीक कटिंग कर दिया है, और इसको भी मैं बोल के अंदर शिफ्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज, आलू और हरा धनिया तीनों चीज़ें काट ली हैं, और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी बेसन। एक प्याली मैंने बेसन लिया है, ये शामिल कर रही हूँ, और अब इसके अंदर मसाले शामिल करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्ची हैं 2 टेबलस्पून, नमक शामिल कर रही हूँ इसके अंदर, हल्दी है 1/2 टीस्पून, अजवाइन डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, इससे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का फ्लेवर होगा पकौड़ों में। कसूरी मेथी है 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने साबुत धनिया लिया है, इसको मैं थोड़ा सा हाथ के साथ इस तरह से करके डालूँगी। सारी चीज़ें मैंने बीच में शामिल कर दी हैं, और अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। और बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी इसके अंदर, और इसको मैं हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और अब हाथ की मदद से इसको मिक्स करूंगी। थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी इसके अंदर, बिल्कुल थोड़े से पानी के साथ हमने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारे पकौड़ा का मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, ठीक है। और
अब इसको रख देती हूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो जब तक अपनी कढ़ी चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं पकौड़े फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर कढ़ी को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। और अब मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक मैंने पहले शामिल नहीं किया था, अभी मैं शामिल कर रही हूँ बीच में। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी थिक कढ़ी बनकर तैयार हुई है। और बीच बीच में मैं कढ़ी को चेक करती रही थी और चम्मच से हिलाती रही थी ताकि ये उबले ना। और बीच बीच में इसे ऊपर से कवर कर देती हूँ 5 मिनट के लिए, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर कढ़ी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया इसका। तो चलें अब हम क्या करते हैं कि इसके पकौड़े तैयार कर लेते हैं। इतने ठीक के देख लें आप, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है जैसे बननी चाहिए थी। तो चलें अब मैं इसके पकौड़े तैयार कर लेती हूँ। इसका फ्लेम मैं ऑफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर जो मैंने पकौड़ों का मसाला तैयार करके रखा था वो शामिल करती हूँ। बिल्कुल छोटे छोटे से हाथ की मदद से मैं पकौड़े बनाऊँगी। पकौड़े शामिल कर देने बीच में। अरे वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। शामिल कर देंगे बीच में और अब इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और पकौड़े डालने के बाद फ़ौरन से हमने इसको नहीं हिलाना बिल्कुल भी, 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको पलट देंगे। और कोशिश किया करें कि पकौड़ों के लिए जब भी आप बैटर तैयार करें तो इसके लिए आप प्याज और आलू बिल्कुल बारीक काटा करें, उससे आपके पकौड़े बहुत ही ज़बरदस्त और स्पाइसी बनते हैं। अब हम पकौड़ों की साइड को पलट देते हैं। अब इसी तरह ही दूसरी साइड को भी पकने देंगे ताकि उस पर भी अच्छा सा हमारा गोल्डन सा कलर आ जाए पकौड़ों पर। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त से बन गए हैं और अब मैं इनको एक डिश में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बने हैं और सेम वैसे ही जैसे बाज़ार से मिलते हैं, आप देख सकते हैं वैसे ही इसकी लुक आई है। ये देखें कितने ज़बरदस्त, आप चाहे तो इसको वैसे ही खा सकते हैं, इतने ही मज़े के ये बनकर तैयार हुए। तो चलें अब एक साथ मैं कढ़ी के अंदर शामिल करूँगी, बाकी के पकौड़े भी पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ। करें वो बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप बड़े बड़े पकौड़े बनाएंगे तो उसमें इतना टेस्ट नहीं होगा।
पकौड़े तैयार कर लेती हूँ और एक डिश में निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तैयार कर लिए हैं तो चलें इसको अब मैं कढ़ी के अंदर शामिल कर देती हूँ। तो कढ़ी हमारी तैयार है यहाँ पर, और ये पकोड़े मैंने सारे निकाल के एक डिश में डाल लिए थे, ये सारे मैं बीच में शामिल कर देती हूँ। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, और अब इसको अच्छी तरह से कर लेती हूँ मिक्स। तो चलें अब इसका मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ। इसको मैं एक साइड पे करती हूँ। ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने पकौड़े फ्राई किए थे, और अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ ज़ीरा। और साबुत लाल मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो ये मैं कढ़ी के अंदर शामिल कर दूँगी। तो अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से, और अब मैं कढ़ी के अंदर शामिल कर देती हूँ इसको। और 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढक दूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए यहाँ पर हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, आपको कलर से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। तो चलें इसको मैं डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए यहाँ पर हमारी कढ़ी बनकर तैयार है, बहुत ही मज़े की और स्पाइसी बनी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा, ये पराठे के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगेगी आपको कढ़ी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।